हेलो दोस्तों, एक बार फिर से जी के पी रिपेयर में आप सबका स्वागत है। आज आपको बताने वाला आसूस का जेन फोन दोस्तों, मैक्स M1 दोस्तों ये मॉडल है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बताते हैं। यासमी आसूस का है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए, जैसे ही चालू करेंगे दोस्तों तो ये एंड्रॉयड लोगो आएगा और उसके बाद एक एरर आ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एरर आता है वाई डिवाइस एंड करप्टेड दोस्तों, ये एरर आता है दोस्तों। और चार्जिंग में लगाने से भी यही एरर आता है दोस्तों। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे दोस्तों, सॉफ्टवेयर के माध्यम से या पहले इसको हार्ड रिसेट करके देखेंगे दोस्तों। यदि हार्ड रिसेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं सॉफ्टवेयर भी करेंगे दोस्तों। हार्ड रिसेट करने के लिए आपको पावर की या वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के रखना है दोस्तों। जैसे स्टार्ट होता है तो पावर बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम डाउन को दबा के ही रखना है दोस्तों। कुछ देर वेट कीजिएगा दोस्तों, इसके बाद रिकवरी मोड में चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आ गया। तो इसमें आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में जाना है दोस्तों। देखिए, आपको दिखाते हैं दोस्तों। उसको लाने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है दोस्तों। देखिए तो नीचे आ जाएगा, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए वाइप। दिखाते हैं दोस्तों, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसमें जाके पावर की दबा देना है दोस्तों एक बार। और उसके बाद आपको एक बार नीचे फिर दबा देना है दोस्तों, और उसके बाद फिर एक बार पावर की दबा देना है, बस आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा दोस्तों। यदि इससे ठीक हो जाता है दोस्तों तो ठीक है, नहीं तो इसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको भी बताएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बगल का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, इसमें सेम कंडीशन है, डिवाइस एंड करेक्टर अभी भी आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको हम फ्लैश करेंगे दोस्तों। और इसको फ्लैश करने का कोई तरीका रहता है दोस्तों, हर कोई नहीं कर पाता है। तो जो न्यू भाई हैं तो इसमें समझ लीजिए दोस्तों। चलिए हम पीसी की तरफ आ गए दोस्तों। देखिए, इसमें दो फाइल आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों। एक फाइल का लिंक है और एक ड्राइवर। देखिए दोस्तों, ADB ड्राइवर को भी इंस्टॉल करना होगा। इसको दोनों को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं दोस्तों, अभी डाउनलोड करके नेट से और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। पहले आपको ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करना है दोस्तों बता देते हैं थोड़ा। देखिए, इसमें डबल क्लिक करके आपको इस तरह ओपन होगा दोस्तों। तो वहाँ यहाँ पर आपको वाई लिखना है दोस्तों और इंटर दबाना है। देखिए दोस्तों, ये लिखना है और इंटर दबाना है। इसमें दो तीन बार मांगेगा दोस्तों, आप इंटर दबा दबा के इसमें इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों, इतना तो जानते होंगे दोस्तों। और इसके बाद इस फाइल को आपको दोस्तों पूरा को कॉपी करना है दोस्तों। चलिए आपको पहले हम डिवाइस मैनेजर में दिखाते हैं दोस्तों। इसमें डिवाइस मैनेजर आपको डिवाइस को कनेक्ट करना होगा ADB मोड में दोस्तों। चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों। अब वीडियो फुल देखिए दोस्तों। आसूस फ़ोन को आपको जो फ्लैश करना है तो इस तरह ट्रिक को आजमाना होगा दोस्तों। इसमें कुछ ट्रिक करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस तरह आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे दोस्तों। और इस फाइल को कहाँ पर पेस्ट करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सी ड्राइव में जाना है। और यहाँ पर देखिए ADB लिखा है दोस्तों, इसमें जाके और पेस्ट करना है दोस्तों। देखिए, मैंने पहले भी पेस्ट किए हैं दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पेस्ट करना है और ये ADB आपको, यदि ADB इंस्टॉल होगा तभी आएगा ऑप्शन दोस्तों, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ई ड्राइवर इंस्टॉल करना है दोस्तों। ई ड्राइवर इंस्टॉल कीजिएगा तभी जाके ये ADB आएगा दोस्तों, मतलब यहाँ पर फाइल बनेगा। इसमें इस फाइल में आपको वो फ्लैश फाइल को पेस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि डेस्कटॉप में रखने से आपको फ्लैश नहीं होगा दोस्तों। तो आपको जहाँ से भी है फाइल को यहाँ पर लाके पेस्ट करना होगा दोस्तों। और इसको डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको आपको बैटरी को लगा लेना है, उसके बाद पावर की और वॉल्यूम डाउन को, डाउन नहीं दोस्तों, अप बटन को दबा के रखना है। कुछ देर दबा के रखने से आपका देखिए फास्टफूड मोड में चला जाएगा दोस्तों। तो आपको वॉल्यूम को मतलब ऊपर वाला दोस्तों प्लस वाला दबना है, पावर की और प्लस वाला। उसके बाद देखिए डाटा केबल लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए मेरा ADB मोड में चला जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बन गया। देखिए ADB, अब क्या हो सकता है, नीचे भी बन सकता है दोस्तों। तो जहाँ पर भी उन्हें ADB आना चाहिए दोस्तों। ADB जब भी बनेगा, जब ये ड्राइवर आप इंस्टॉल रहेगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कि ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा तब ADB बनेगा, नहीं तो केवल एंड्रॉयड बनेगा तो उसमें फ्लैश नहीं होगा दोस्तों।
उसके बाद जाके ए वाला फाइल है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे एफ टी जो दिखाया ए वाला आपको डबल क्लिक करना है दोस्तों, आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें टाइम लग जाता है दोस्तों, 5 मिनट हो सकता है, किसी का पीसी स्लो हो तो 10 मिनट भी लग सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें पूरा फ्लैश हो जाएगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा फ़ोन। तो इसमें आपको वेट करना है दोस्तों, मतलब आसूस फ़ोन को आपको फ्लैश करने का यही ट्रिक है दोस्तों, इसमें जाके आपको पेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको डेस्कटॉप पे रख के कीजिएगा तो फ्लैश नहीं होगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ दोस्तों, फ्लैश होने देता हूँ तब आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अब वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो वीडियो मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। मैं वीडियो फास्ट कर दिया दोस्तों, चलिए लगभग हो गया दोस्तों, देखिए हो गया दोस्तों, और रिबूट भी हो गया, और मेरा टूल भी मतलब बंद हो गया दोस्तों। देखिए अभी देखिए एंड्रॉयड लोगो आता है कि नहीं दोस्तों, पहले यहाँ आके देखिए दोस्तों पास हो गया, यानी हम लोग का फ्लैशिंग ओके हो गया दोस्तों, अभी फ़ोन पूरा ऑन होगा दोस्तों। देखिए एंड्रॉयड पहले आके यहाँ पर एरर आता था दोस्तों, अभी पास हो गया दोस्तों, यानी हम लोग का सक्सेसफुल काम हो गया दोस्तों, फ्लैश भी हो गया, सेट सही भी हो गया दोस्तों, जो वाई डिवाइस करेक्टिव आ रहा था दोस्तों वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा ओपन होने दीजिए, इसमें फर्स्ट बार ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम डाटा केबल को निकाल लेते हैं दोस्तों, अब इसका कोई काम नहीं है, मेरा फ़ोन ओके हो चुका है दोस्तों। इसमें हो सकता है आपका FRP देखिए दोस्तों ये करेक्ट मतलब हो रहा है, इसमें आपको घबराना नहीं है, ये मतलब ये फॉर्मेट हो रहा है इसलिए दिखा रहा है दोस्तों, जिसमें आपको घबराना नहीं है। इसमें हो सकता है आपको FRP भी लग जाएगा दोस्तों, तो आप FRP बहुत सारे है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो देख के तोड़ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसको डबल बार फ्लैश कर दीजिएगा तो आपका FRP भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले बार मैंने फ्लैश किए थे तो इस तरह होता था, तो दो बार फ्लैश करने से FRP भी हट जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों खुल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, इसको खोलने देते हैं दोस्तों। तो आपके पास फ्लैशिंग जिस जब भी आए दोस्तों, तो आपको पेस्ट करना होगा सी ड्राइव में जाके ADB में दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपका टूल ओपन ही नहीं होगा दोस्तों फ्लैशिंग वाला, और इसका फ्लैश फाइल में ही वो टूल रहता है दोस्तों, तो आपको इधर उधर जाना नहीं होगा। आप गूगल में सर्च कीजिएगा आसूस प्रो M1 दोस्तों, देखिए दोस्तों ओपन हो गया पूरा, देखिए दोस्तों होम स्क्रीन, मेरा पहले बार जो फ्लैश किए थे दोस्तों तो FRP मांग रहा था, लेकिन अभी पास हो गया दोस्तों, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सेटअप कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरा हो गया, ओके हो गया दोस्तों, FRP भी नहीं हुआ तो FRP मांगेगा तो आप डबल बार फ्लैश कीजिए दोस्तों, आपका FRP भी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आप YouTube में देख के वीडियो आप तोड़ सकते हैं दोस्तों FRP। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।